है एंड हैप्पी धनतेरस। मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे घर में नमक वाले पानी से मैंने पोछा मार दिया। आज के दिन नमक वाले पानी से पोछा मारना चाहिए। तो चलो मैं गेट में होते हैं। सारी साफ सफाई हो गई है घर की धनतेरस के लिए। मेन गेट बचा हुआ था, ये भी साफ सुथरा हो गया। जाना है मुझे मार्केट भी जाना है, धनतेरस से इसके साथ सारा सामान लेने। साफ सफाई तो पूरा हर सारे रूम का, सीढ़ी छत से लेकर के निचले तक सबको हो गया। चलिए नहा करके मैं आ गई हूँ। 12:30 का टाइम हो गया है, दिख रहा है 12:30 हो रहे हैं। एंड यहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे 1:30 बजे तक ही दुकान खुली रहती है। उसके बाद फिर दुकान जब बंद होती है तो सीधे शाम को खुलती है। तो मुझे अभी जल्दी जल्दी निकलना होगा। रेडी हो जाती हूँ। चलिए तंगी भी नहीं किया यार, देखो कैसे हो, टाइम नहीं है छोड़ हटा। तो घर के पास ही छोटू सा एक दुकान है, फिलहाल के लिए मैं यहीं से कुछ सामान ले लेती हूँ दिवाली का। देखो दिया वगैरह भी है, सब कुछ मिल रहा है इधर। एंड इधर पूजा का सामान सब है। कोई है यहाँ से? मैंने हाँ 5 ये नहीं ये वाला, यहाँ से सिर्फ मैं धनतेरस के लिए ले रही हूँ, दिवाली के लिए फिर दोबारा आऊँगी। यहाँ से मैंने 5 दिया ले लिया है। चलिए यहाँ पे मैंने पूजा का थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, ये फिर सिर्फ अभी के लिए, आज के लिए, बाकी दिवाली के लिए तो और मैं बाद में लूँगी। और यहाँ पे घर के बिल्कुल पास वो दिख रहा है, वहाँ पे दुकान खुला है, फ्रूट स्टॉल खुला है, तो वहाँ से हमें प्रसाद भी मिला है। हम चलते हैं घर, बहुत भारी है सारा सामान लिया हुआ है। चलिए घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया। चलो जी, लाखों रुपए की शॉपिंग करके आ गई आज धनतेरस वाले दिन। और शाम को, रात को और जाऊँगी तो दिवाली की शॉपिंग रात को और करूँगी। अभी फ़िलहाल आज जो मुझे ज़रूरत थी पूजा करने के लिए शाम को, वो सारा चीज़ लेके आई हूँ। और आज का जो नियम है वो सब करके आई हूँ। तो देखिए आज धनिया खरीदने का एक नियम होता है, बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है एंड अक्षत लिया है, चावल लिया है, ऐसा माताओं चढ़ाऊंगी मैं। एंड यहाँ पे मैंने लिया है 5 पैकेट नमक, ये 6 महीने तक चलता रहेगा। इसके अलावा धनिया वगैरह, चावल वगैरह, ये सारा चीज़ जो भी मैं चढ़ाऊंगी पूजा में, तो उसके लिए इस तरीके का मिट्टी का मैंने बर्तन लिया है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी पे चढ़ाने के लिए सिंदूर एंड बिंदी लिया है, मौली है जो हाथ पे बांधते हैं वो है, दिया है जो आज मुझे जलाना है। एंड इसके अलावा इस तरफ आज जो मैं पूजा करूँगी माँ लक्ष्मी की, तो उनके लिए इधर चुन्नी लिया है। एंड इस तरफ जो है हल्दी की गांठ है, कसेली है, कौड़ी है, और क्या गोमती चक्र है, ये सारा चीज़ जो भी आज के लिए शुभ होता है ये सारा कुछ लिया है। और आज झाड़ू का भी नियम होता है तो झाड़ू लिया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है, ये मैं फर्स्ट टाइम ली हूँ, भगवान धन्वंतरी का फोटो मैंने ऐसे गूगल से निकाल के फिर उसको मैं ऐसे लैमिनेट करवाई हूँ, तो ये मेरे पास नहीं था, मैंने कभी भी, मैं तो फर्स्ट टाइम ली हूँ मैं। तो ये है भगवान धन्वंतरी का फोटो, फिलहाल इतना ही ली हूँ मैं। एंड अभी शाम को ये मुझे पूजा करना था, पूजा का जो मुहूर्त है वो मतलब ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं है, तो मुझे रात तक तो ऑफिस आने के बाद बहुत देर हो जाती है, तो उसके बाद मैं पूजा कब करूँगी, इसलिए फिलहाल मैं लोकल इधर से ले आई हूँ। मेन जो है सामान तो फिर दोबारा आएगा ही। धनतेरस है
आज माँ लक्ष्मी का दिन है तो मैं सोच रही हूँ कल तो मैं बनाऊंगी पूरा फुल बहुत अच्छे से स्पेशल बनाऊंगी, लेकिन आज भी हम अपने गेट मेन गेट पे यहाँ पे छोटा सा ऐसी मेरे पास वो जो रंगोली बनाने वाला होता है वो गुलाल नहीं है, उससे अच्छे से बेहतर ये नॉर्मल गुलाल है होली वाला तो बचा हुआ था, तो मैं इसी से बना देती हूँ जो भी एक कलर होना चाहिए ना कलरफुल होना चाहिए, और शाम को इस पर यहाँ पर दिया भी जलाऊँगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ, मेरे पास तीन चार कलर है, येलो है, रेड है, पर्पल है, पिंक है और ये वाइट टाइप का ये। चलिए रंगोली बनाना स्टार्ट करती हूँ, बस सिंपल सा कुछ भी नहीं, गोल 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 रंग कर दूँगी बस हो गया। यहाँ पे मैंने माँ लक्ष्मी के स्वागत में माँ लक्ष्मी का जो पैर होता है चरण वो बनाया है सुंदर सा, एंड दोनों साइड दिया बनाया है, एंड इधर स्वास्तिक बनाया है अभी, और थोड़ा सा बाकी रह गया है तो बना लेते हैं। तो चलिए जी ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखें सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। माँ लक्ष्मी का पैर बनाया है, क्या हुआ ब्लैक गेट बन चुके हैं, एंड शाम होने ही वाली है तो जाऊंगी थोड़ा सा नहा वहा करके अच्छे से रेडी होंगी साड़ी वाड़ी पहन के, देन उसके बाद फिर पूजा भी करेंगे। गेट लॉक कर देते हैं, चलो शाम होने वाली है और धीरे धीरे लाइट ऑन कर देती हूँ हर जगह का, कितना सुंदर लग रहा है ना घर एकदम दुल्हन की तरह शादी शादी जैसा लग रहा है। आज तो और ज़्यादा सज गया है, थोड़ा बहुत जो लड़ी वगैरह बचा हुआ था वो सारा मैंने कर लिया है। चलिए नहावा करके रेडी होकर के मिलती हूँ आप लोगों से, अब बस थोड़ी देर के लिए जो मैंने मिट्टी का बर्तन एंड दिया जो लेके आई थी ना उसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देती हूँ ताकि धुल भी जाएंगे, एंड दिया जितना सूखना होगा पानी सूख देगा। इस 5-7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद निकाल लूँगी इसको। चलिए शाम के पूजा का टाइम हो गया है, पूजा कर रही थी, पूजा की सारी तैयारियाँ तो मैंने कर ली है।
धनतेरस का पूजा कर लिया मैंने, 5 दिया जलाया था उसमें से एक मैं यहीं पे छोड़ दी हूँ और बाकी का जो 4 है ऐसे थोड़ा सा रंगोली बनाई हूँ वहाँ रखूँगी, किचन में रखूँगी, हॉल में यानी तुलसी माता के पास रखूँगी। सबसे पहले तो आती इधर तुलसी माता के पास, एक रंगोली के पास रखूंगी, एक किचन में एंड एक हॉल में रखूंगी। चलिए एक हॉल में डाल दिया मैंने इधर पूरब की तरफ मुख करके, अब जाऊंगी किचन में, एक में रख दूंगी जहाँ हमारा पीने का पानी रहता है। चलिए अभी मैं जा रही हूँ दिवाली का सारा सामान लेने, देर भी हो गई है, 8:30 का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जाना होगा। मैं चेंज कर ली हूँ साड़ी पहन के, नहीं जा पूरे में सिंदूर लग गया। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। कौन सा? हाँ ये भी रख लीजिए, ये कितना सुंदर है। और 5 कौड़ी दे दीजिए, कौड़ी नहीं पकड़ लो। चलो चलिए, यहाँ से मैंने ये वाला मूर्ति लिया है, बहुत ही सुंदर है, गणेश भगवान एंड लक्ष्मी माता, काफी सुंदर है ये वाला। मुझे ये वाला देखा पैक कर दीजिए, यहाँ से हमने लक्ष्मी गणेश मूर्ति ले लिया। चलिए बेटा चलिए, क्या है ना कितना सुंदर है ये 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 हमारी जो मूर्ति है उसमें ऑलरेडी माला पहनाए हुए हैं। चलिए चलिए, मैंने सारा सामान ले लिया, यहाँ रखती हूँ, जो थोड़ा बहुत छूट गया वो सब बाद में लूँगी मैं, अभी फ़िलहाल जितना हुआ इसमें। बहुत ही सुंदर लक्ष्मी माता गणेश भगवान की मूर्ति है, एंड इधर जो पूजा किया था देखो, आज का पूजा मुझे बहुत सुंदर लगा, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग।